नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी और हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज थाने के भवानीगंज कस्बे में बीती रात 3 दुकान का शटर तोड़कर लाखों के सामान और हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की दुकानों में एक सर्राफा, एक साइकिल और एक गारमेंट की दुकान शामिल है। चोरी की घटना बीती रात की है। भवानीगंज थाना क्षेत्र के चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिन दुकानों में शटर और दरवाजा तोड़कर चोरी हुई है वो दुकानें भवानीगंज थाने से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। चोरी की घटना की जानकारी पीड़ित दुकानदार को उस वक्त हुई जब सुबह पड़ोस के लोगों ने उन्हें उनकी दुकान का शटर टूटने और दुकान खुली होने की बात बताई। चोरों ने सर्राफा व्यवसायी की तिजोरी को दुकान से निकालकर कुछ दूर स्थित एक खेत में लाकर फेंक दिया और तीनों दुकानों से हजारों की नकदी और लाखों का सामान लेकर आसानी से फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार के अनुसार चोरों ने साइकिल की दुकान से करीब 16,000, कपड़े की दुकान से करीब 16,000 केश और 3,00,000 के सोने के गहने और करीब 3,00,000 की चांदी पर हाथ साफ किया। इस बारे में पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने बताया कि भवानीगंज क्षेत्र में कुछ दुकानों में चोरी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर उसकी गहनता से छानबीन कर रही है और जल्द ही घटना को अंजाम देने वाले चोर पुलिस की पकड़ में होंगे। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। सर, भवानीगंज थाना क्षेत्र में भवानीगंज चौराहे पे एक सोनार की दुकान में चोरी हुई है, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, रात्रि में एक घटना थाना भवानीगंज क्षेत्र में हुई जिसमें एक दुकान है, उसके दुकान के दरवाजे को, दरवाजा कमजोर था, उसको तोड़ के और अलमारी में से उसमें से आभूषण चोरी किए हैं। एग्जैक्ट कितना आभूषण चोरी हुआ है ये अभी इसकी जाँच चल रही है। FIR दर्ज करने के निर्देश थाना अध्यक्ष को दे दिए हैं और जो FSL की टीम थी वो मौके पर चली गई। इसके अलावा वहाँ का जो मोबाइल का रिकॉर्ड है BTS, वो पुलिस की टीम ने उठा लिया है। जल्द ही घटना का अनावरण करी जाएगी।